हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। दिस इज संदीप सिंह। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाइनेंस यूएस विल सपोर्ट द अपकमिंग इथेरियम मर्ज अपग्रेड। जो इथेरियम का जो लेटेस्ट जो अपग्रेड जो आ रहा है, उसको बाइनेंस यूएस ने क्या है कि सपोर्ट किया है। आपको पता होगा कि POW से क्या है कि POS के अंदर ये जा रहा है, जिसकी वजह से इथेरियम की पॉपुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। दोस्तों, इथेरियम जो है 2019 के अंदर एक्चुअली इसका प्लान था कि ये अपना लेटेस्ट वर्जन लेके आए, बट लेकिन अभी क्या है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि 15 या 16 सितंबर को, अभी जो 15 या 16 सितंबर आएगी उसको क्या है कि ये अपना लेटेस्ट वर्जन लेके आ सकता है। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये बहुत बड़ा एक्चुअली अपडेट है। जैसा कि आपको पता होगा, इनके फाउंडर जो हैं वो हैं विटालिक पुटिन। यकीन मानिए दोस्तों, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है वो। बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो पहले काम कर चुके हैं, उसके बाद में इथेरियम का उन्होंने इन्वेंशन किया। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो POW जो है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। हालांकि क्या है कि इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको पता लगे कि POW क्या होता है और POS एक्चुअली क्या होता है। POW को समझिए आप, प्रूफ ऑफ वर्क एक्चुअली होता है। यानी कि इसके अंदर होता क्या है कि जो ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक जो होते हैं उनके बग्स को सोल्व करते हैं। अगर जो इनके सोल्व जो करता है उसको क्या है कि रिवार्ड मिलता है और गैस फीस मिलती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है जी, ग्राफिक्स कार्ड हैं या इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे पहले जो इसको सोल्व जो करता है, रिवार्ड सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलता है। यानी कि जो सबसे पहले सोल्व करेगा उसको मिलेगा, अदरवाइज़ बाकी जो है उनको नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो और जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी तो इलेक्ट्रिसिटी लगा है और उनका भी तो एक्सपेंस लगा है। वो जो है वो सारा का सारा ये लगा के चलिए वो गलत होता है एक तरह से। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उनका जो यूज़ हुआ वो गलत ही हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की अगर हम बात अगर करते हैं, तो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है जी, यहाँ पे जो भी इसको सोल जो करता है उसको कॉइन जो है वो स्टेक करके रखने पड़ते हैं। जो भी जितने ज़्यादा कॉइन को स्टेक रखता है, मान लीजिए अगर रिवार्ड, अगर रिवार्ड की बात अगर करते हैं, मान लीजिए 10 कॉइन का अगर रिवार्ड अगर है, तो फॉर एग्जांपल क्या है कि 100 कॉइन उसको क्या है कि स्टेक के अंदर रखने पड़ते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में क्या है कि पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा रहती है कि जिसका स्टेकिंग ज़्यादा है उसको रिवार्ड ज़्यादा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसकी स्टेकिंग कम हो उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें रिवार्ड सबको मिलता है, जो ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा मिलता है, जो कम रखता है उसको कम मिलता है। तो ये सारा का सारा जो है स्टेकिंग के ऊपर एक्चुअली क्या है कि डिपेंड है। तो इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा, सबसे पहली बात। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताएंगे। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के देंगे, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसके बाद में क्या है कि इसके अंदर अच्छा खासा जो है पंप जो है देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इथेरियम सेकंड नंबर की करेंसी है, विटालिक बुटिन जो है इसके फाउंडर हैं, और इन्होंने क्या है कि काफ़ी अच्छे काम किए हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है जी, इतने कम समय के अंदर सेकंड नंबर की करेंसी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं जी बिटगार्ड प्राइस के बारे में। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, आज है जी 1 सितंबर, इन्होंने कहा था कि कोई ना कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाली है। लेकिन अनाउंसमेंट की अगर बात अगर करते हैं, तो यहाँ पे आज तो एक ही ट्वीट देखने को मिला है, इनके थ्रू ट्वीट हुआ है, वी हैव सबमिटेड द डाटा फॉर सर्कुलेटिंग सप्लाई वाया आवर ईमेल एड्रेस। इन्होंने अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो बताया है कॉइन मार्केट कैप को, और इसके बाद में कोई भी इनका अभी तक तो अपडेट आया नहीं है। अगर कोई अपडेट अगर आता है तो आपको 101% देंगे दोस्तों। और आपको पता होगा कि इसके अंदर एक पंप देखने को मिला था, लगभग 35-40% का लोगों ने क्या है कि बेनिफिट भी वहाँ पे बुक किया था। हमने तो वही हमारा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में एग्जिट हुए। जैसा कि आपको पता होगा, कल भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में कि लगभग 300 से ज़्यादा क्या है 24 आवर के अंदर वॉल्यूम इसका हो गया था। ध्यान दीजिएगा, 300 से ज़्यादा हो गया था। हमने क्या किया जी, उसी टाइम पे इसको सेल किया, लगभग 35-40% बेनिफिट हुआ। कोई बात नहीं, आगे क्या होने वाला है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर आज की अगर बात अगर करते हैं, तो आपने देखा होगा जी, प्राइस जो है इसका ये डाउन आया है 0.5x 0.1072। तो अब आप देख सकते हैं 24 आवर के अंदर जो ट्रेडिंग जो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुई, इतना
12.16% आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्राइस की भी अगर बात अगर करते हैं तो 8.49% जो है यहाँ पे डाउन आया है। ओके, यानी कि जब हाई गया हमें लगा कि भैया अभी डाउन आने वाला है, वहाँ पे सेल किया और उसके बाद में क्या है कि डाउन आने के बाद में दोबारा परचेज कर लिया। सो दोस्तों, मैं इसी तरह से करता हूँ। बाकी आपका पोर्टफोलियो आप किस तरह से मैनेज करना चाहते हैं, आप पोर्टफोलियो अपना आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा जी वो आपका है। ओके, अब इसके बाद में आपको बताएंगे जी कि ऑल टाइम हाई से अभी भी ये क्या है कि 73% डाउन है, यानी कि आज भी अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, ठीक है, अब क्या है कि ट्वीट कर रहे हैं बार बार में कि ऑल टाइम हाई जो है वो बहुत जल्दी टच करने वाला है। अगर ये ऑल टाइम हाई को भी टच अगर करता है तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई 10 रुपये के आपको क्या है कि 40 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऑल टाइम हाई को भी अगर टच अगर करता है तो लगभग ये लगा के चलो 4x तो आपका यहाँ पे होना ही होना है, ठीक है। बाकी ये बोलना यहाँ पे आपका 100x हो जाएगा, 200x हो जाएगा, इन बातों में देखिए मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मानना है डबल भी अगर प्रॉफिट अगर होता है तो भी क्या है कि वो बहुत बड़ी बात होती है। बट लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअली हो क्या गया है, पैसे लगाते हैं जी 100 रुपये और एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, बिल्कुल नहीं होता जी कभी भी, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कुछ, उनको मानना ही पड़ेगा। जब तक इंसान के अंदर एबिलिटी अगर नहीं होगी तब तक उसके पास में पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा अगर उसके पास में आया भी तो उसके बाद में चला जाएगा। KBC के अंदर सबसे पहले एक बंदा करोड़पति बना था, उसके एग्जांपल आपने बहुत बार देखे होंगे, इतना सारा पैसा आया उसके बाद में भी क्या है कि आज वहीं का वहीं है। सो दोस्तों, रियलिटी को ज़रूर फेस कीजिए, अपना प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट निकालिए, सपनों की ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल भी मत जिए। अपना जो प्रिंसिपल है 101% निकालिए, अपना जो प्रॉफिट जो है उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके अंदर चाहे कितने ही गट्स क्यों ना हो, आपकी एजुकेशन जो है वो चाहे कितने ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास में पैसा अगर नहीं है तो वो आपकी क्वालिटी, वो आपकी एजुकेशन किसी भी काम की नहीं है। यहाँ पे आपका जो वेपन जो है वो है आपका पैसा। तो अपने पैसे को सिक्योर, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि पैसे को ज़रूर सिक्योर कीजिए, अपना प्रॉफिट जो है वो 101% दोस्तों अपने यहाँ पे बुक कीजिए। सो गाइस, ये हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़, एंड आई होप कि आपको आज की न्यूज़ अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आपको चाहिए हैं तो आप अपना सजेशन जो है ज़रूर दे सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच गाइस।